नमस्कार दोस्तों, इनकी आयु 32 इयर्स प्लस 5 मंथ की हो चुकी है। ये फोटोग्राफी नहीं कर पा रहे थे, चाहिए वैसे फोटोग्राफ नहीं निकाल पा रहे थे, तो ये मुंबई ऑफिस में आए थे। अब जनरली मैं ऑफिस में जो व्यक्ति आता है उसके वीडियो बनाता नहीं हूँ, पर इन्होंने एक्स्ट्रा पे किया तो बना रहा हूँ। अब इनकी जो क्वालिटी है, आप देखना कितनी हाई क्वालिटी फोटोग्राफी की आती है जब कोई पर्सनल में आता है। अब जैसे आप लोगों ने थंबनेल देखा, वैसे ही करोड़ोपति बनाने की साइन इनके हाथ में है, पर वर्तमान में ये 1 लाख रुपए भी नहीं कमा पा रहे। मैं कई बार कह चुका हूं, हमारा जीवन या पामिस्ट्री एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है। एक वाद्य भी अगर सही नहीं हो तो सुर सही नहीं निकलता जीवन का। इनके तो 2 वाद्य बिगड़े हुए हैं, उस वजह से इनको ग्रोथ नहीं मिल रही है। पर जब ग्रोथ मिलेगी, इनके आसपास के लोग इनकी ग्रोथ देखते रह जाएंगे। इस लेवल की ग्रोथ इनको जीवन में मिलने वाली है। इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आज मैं 1 लाख रुपया नहीं कमा पा रहा हूँ, वो भविष्य में करोड़ों रुपया साल का कमाएंगे, करोड़ों रुपया। ये इस तरह की साइन इनके हाथ में है। अब एक एक करके मैं सारी चीज़ें विस्तार से एनालिसिस के अंदर बताने की कोशिश करता हूँ। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये 2 उंगलियाँ ऊपर की तरफ हो, तो ऐसे लोगों को हमेशा किसी न किसी को पूछकर निर्णय लेना चाहिए। ये पर्सनल लेवल पर जब निर्णय लेते तो गलत निर्णय लिए जाते और ये जीवन भर इनको ये चीज़ का ध्यान रखना है, यानी पछतावा होता है कि ये मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। तो ऐसे लोगों को मैं सलाह देता हूँ, किसी न किसी से बात करके आप निर्णय लो तो आपको पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पाम यहाँ से चौड़ाई कम है, यहाँ से चौड़ा ज़्यादा है, तो ऐसे लोग या तो जॉब करते हैं या पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, इस तरह की मानसिकता होती है इनकी। ये पाम पूरा स्क्वायरिश है, बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग, मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। यहाँ पर इस तरह का उभार रहता है तो व्यक्ति म्यूजिक की तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है, म्यूजिक उनको पसंद आता है, शौकीन होते हैं। अंगूठा मांसल है, हाथ के मुकाबले भी मांसल है, तो ऐसे लोग पास आप यानी कठोर टाइप के लोग होते हैं, स्ट्रांग डिसीजन वाले लोग होते हैं, इनको आप झुका नहीं पाओगे। बाप बनकर इनसे 10 रुपया नहीं ले पाओगे, बेटा बनकर चाहे जितना ले लो। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकेगा, पर है फैलेंज बड़ा तो कार्य के प्रति जिद भी अच्छी खासी होती है। सेकेंड फैलेंज नॉर्मल है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और फैलेंज थोड़े से बड़े हैं फर्स्ट उंगली के, सारी उंगलियों के, तो थोड़े एनालिटिकल भी होंगे। ये उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी खासी होती है। सूर्य की उंगली बहुत बड़ी है, बहुत हिम्मती स्वभाव व्यक्ति का होता है। जेब में 50,000 और 50,000 की रिस्क लेनी हो तो आसानी से ये लोग ले लेते हैं। छोटी उंगली भी फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है, यानी उंगली के, सूर्य की उंगली के, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, अकाउंट, ये सारी चीज़ों में एक्सपर्ट होता है। एक तरह का आशीर्वाद समझिए ये उंगली का बड़ा होना आपके लिए। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलता हूँ। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइनें, ये व्यक्ति को सुंदरता देती है और बुध पर्वत भी अपने आप में उभार है, तो बिजनेस माइंडेड होता है, 2-4 भाषाओं का जानकार होता है, बोलने ना आए तो समझ में तो जरूर आती है। यहाँ पर बढ़िया सी यश साइन है, यानी फेम साइन है इनके हाथ में, तो जीवन में यश भी अच्छा मिलेगा, यानी फेम अच्छा मिलेगा इनको।
ये जो स्क्वायर साइन है ये व्यक्ति का मल्टी सिटी का काम करवाते हैं, ऑलरेडी इनके जीवन में है ये मल्टी सिटी का काम, इंटरनेशनल लेवल का भी काम है और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह जीते ये लोग। अब जो मैं साइन आप लोगों को बताने वाला हूं ये देखिए, ये इतनी बढ़िया साइन इनके पास है, इनको करोड़ों पति बनाएगी। ये देखिए ये क्लोजअप, इतना शार्प फोटो है, देखिए आप यहां से लाइन घूमी और ऐसे घुमा और यहां से सीधी चली और ये सन लाइन पर ही है। ये साइन इनको काफी ग्रोथ देगी, काफी ग्रोथ, और कौन से समय से देगी वो भी मैं बताऊंगा। बहुत लकी है पर वर्तमान में संघर्ष है जीवन में, पर एक ऐसा समय आएगा इनके आसपास के लोग, परिवार के लोग देखते रह जाएंगे कि व्यक्ति कहां से कहां कैसे जंप लेता है फाइनेंशियली, वो इनके जीवन में होता हुआ दिखेगा लोगों को। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। शनि पर्वत फ्लैट है, आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता, और यहाँ पर एक विद्या रेखा है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। अब ये जो लाइन है ये व्यक्ति को फूड लवर बनाती है, फूड लवर, और ये जो लाइन है, ये जो साइन है, इनको मेडिटेशन में बहुत आगे लेकर जाएगी। ये जो साइन है इनको मेडिटेशन में काफी उत्तम तरीके से, वो भी ईश्वरीय टाइप का, ईश्वर से संलग्न मेडिटेशन करवाएगी। और जुपिटर माउंट खराब है, ये रूबरू आए थे तो पता है इनको पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम नहीं है, यानी जुपिटर खराब हो तो व्यक्ति को सांसारिक यानी हस्बैंड वाइफ और पारिवारिक समस्याएं रहती है, पर इनको बचपन में सर पे लगा हुआ है तो पति पत्नी के बीच में काफ़ी स्मूथ लाइफ है, पर पारिवारिक समस्याओं से गिरा व्यक्तित्व रहेगा और परिवार के लोगों में ऐसे लोगों का एक्सपेंस भी ज़्यादा होगा आगे चलकर, जब ज़्यादा कमाएंगे तब। और इनको उपाय दे चुका हूँ और ये उपाय कर चुके हैं। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह केमिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है, सेवाभावी और धार्मिकता, ये सारे गुण रहते हैं। बाहरी मंगल, अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी रहती है, बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है, तो दोनों मंगल काफ़ी अच्छे हैं। और जिनके मंगल अच्छे रहते हैं उनको प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेनिफिट भी बहुत अच्छी खासी मिलती है जीवन में। एक ट्रायंगल है इनके हाथ में, ये विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है और इनके हाथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लाइन भी है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्टर भी बनेंगे ये भविष्य में। बाकी चंद्र पर्वत अति उत्तम, बहुत अच्छे बार्गेनर होते, अच्छे परचेसर होते, नई नई चीजें, पानी अच्छा लगना, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगना, निर्णय शक्ति अच्छी होना, ये सारे गुण चंद्र पर्वत से मिलते हैं। और शुक्र पर्वत अति उभार है, एक टेनिस बॉल की तरह उभार है, ऐसे लोगों को पसीना खूब आता है, गर्मी सहन नहीं होती, लग्जरियस लाइफ के शौकीन होते हैं और वो पूरा भी करते हैं। अब चलते इनकी हृदय रेखा पर, हृदय रेखा में ये फोर्क बन रहा है, ऐसे लोग अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं, पर ये स्टार्ट हो रही है शनि पर्वत से, तो सुबह उठते ही
पैसे की तरफ ध्यान जाता है, कामुकता। और तीसरी चीज देती है कभी कभी फिजिकल होना, यानी हाथ पैर उठाना। और ये एक लाइन इनको गुस्सा भी दिलाती है। अब माइंड लाइन को देखें तो काफी उत्तम माइंड लाइन है, पूरी स्टार्ट से एंड तक व्यवस्थित चल रही है। तो ऐसे लोगों की निरीक्षण शक्ति काफी पावरफुल होती है, छोटी छोटी बातें नोट करते हैं ये लोग। ज्ञानी होते, फालतू का समय बर्बाद नहीं करते, कोई ना कोई ज्ञान देते। हाँ, ऐसे लोग सीधे खड़े रहने में तकलीफ होती है, 10 मिनट भी सीधे खड़े रहे तो पीछे कमर में दर्द होता है, और जैसे ही चलने मिल गया रिलैक्स हो जाएगा। बिना सपोर्ट के बैठने में भी दर्द होता है कमर में पीछे की तरफ, और जैसे ही सपोर्ट मिल गया रिलैक्स हो जाता है। बिना ज्ञान लिए इनको नींद नहीं आती। अगर 2 दिन ज्ञान लेने ना मिले तो 3रे दिन इनका पारा 7वें आसमान में होता है, और जैसे आधा घंटा अगर ज्ञान लेने मिल गया वो गुस्सा रिलैक्स हो जाएगा। अब जीवन रेखा पर चले तो ये लाइन ने इनकी शादी कराई, कोरोना के समय इनका बिजनेस बहुत अच्छा चला, ये एक ऑफशूट आया, इसने बहुत अच्छा बिजनेस करवाया आज से 3 साल पहले, यानी 29.5 के आसपास के एज होगी। उस समय इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चला और उसी समय नियर एंड डियरर की डेथ हुई, और उसके बाद भी कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी। तो 2 नियर एंड डियरर की डेथ इनके हाथ में नज़र आ रही है, और दोनों जीवन में इनके कम हुए हैं, 2 लोग। अब जो मैरिड लाइन थी वो 30 के आसपास मैरिज करवाई, वो लाइन मैं बता चुका हूँ। उसके बाद देखिए ये मैरिड लाइन ये माइंड लाइन को टच कर रही है, और ये जाते ही यहाँ पे राहु रेखा चालू हुई। अब होता क्या, ऐसे लोगों को लगता है कि मैं शादी होने के बाद मुझे तकलीफें चालू हुई, आगे राहु रेखाएं थी नहीं, तो इनको तकलीफ क्या होती है पता ही नहीं था। राहु रेखाएं हमें जीवन में पता करवाती है कि तकलीफ क्या होती है। तो ये राहु रेखाएं आई, तभी भी कोई धन रेखा दमदार नहीं थी, खाली एक ऑफशूट था, इसके लिए उस समय अच्छा पैसा इनके जीवन में आया होगा क्योंकि बहुत अच्छी साइन है, तो उसने इफेक्ट बहुत अच्छा दे दिया। पर उसके बाद देखिए ये 3 लाइन है, ये अप टू 34 तक इनको परेशान करेगी, लास्ट वाली 34 की है, तो ये 35 तक इन परेशानी रहेगी इनको। उसके बाद फिर वापस आएगी 37 में राहु लाइन, और उसके बाद आएगी 39 में, ये राहु रेखा इनको परेशान करेगी। उसके बाद ये 43 की राहु रेखा आएगी, उसके बाद 46 में राहु रेखा आएगी, उसके बाद 50 में आएगी यानी 50 में, और यहाँ पर बदलाव आएगा, यहाँ पे जीवन रेखा वापस हट के चल रही है। तो बदलाव यानी घर बदलना, शहर बदलना, व्यवसाय बदलना, देश बदलना, ऑफिस बदलना या व्यवसाय बदलना, कोई भी इसमें से बदलाव आता है, कोई तकलीफ नहीं आने वाली, केवल बदलाव आएगा। और ये राहु रेखा में थोड़ी सी तकलीफ आएगी इनको 50। उसके बाद 52 में एक छोटी सी राहु रेखा है, और ये यहाँ पर काटती होगी आगे चलकर, तो कोई लिटिगेशन का भी सामना हो सकता है, हल्का सा, कोई बहुत बड़ा नहीं। उसके बाद 55 से लेकर एक 55 में ऑफशूट भी है, तो कोई बेनिफिट भी दिलाएगा ये ऑफशूट। और 55 से लेकर अप टू 62 तक ये राहु रेखा है इनको परेशान करेगी, पर उस समय धन रेखा मजबूत है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, इनको राहु रेखा परेशान इसके लिए करती है कि इनको मनी ट्रायंगल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। उसके बाद 67 में एक ऑफशूट आएगा और नियर एंड डियरर की डेथ आएगी, और उसके बाद 72 में एक ऑफशूट आएगा और नियर एंड डियरर की डेथ आएगी, और इनको घबराहट है कि इसके बाद मेरी जीवन रेखा ही नहीं है तो मेरा क्या होगा।
अब इसके बाद ये कम से कम 8 साल का पीरियड है, यानी 80 के, और इसके बाद देखिए यहाँ से एक धागा निकल रहा है और इस लाइन को ज्वाइंट कर रहा है। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर उसके बाद ये रेखा बन जाएगी अगर जिएंगे तो लोग छोटी जीवन रेखा को देखकर घबराते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आयुष्य किसी का हम बता नहीं पाते, वो ईश्वर को ही पता रहता है। अब इनकी धन रेखा पर देखिए कट, एक कट लगेगा 34 या 35 के आसपास, 34.5 या 35 के आसपास लगेगा, जो आर्थिक नुकसान देगा। एक 36.5 या 37 में ये नुकसान जाएगा। ये 99% इनको यहाँ पर कुछ इंजरी हुई थी बचपन में, पर ये लगभग मुझे इन्वेस्टमेंट वाली लाइन लग रही है, कई फोटो में देख चुका हूँ मैं। ये 43 में इन्वेस्टमेंट होगा और यहाँ से इनकी रफ्तार दौड़नी चालू होगी, और एक 6 साल 49 के आसपास एक छोटा एक कट लगेगा जो इनको आर्थिक नुकसान देगा। अब इनकी धन रेखा आपको मैं दिखाता हूँ, ये इनकी धन रेखा क्लियरिटी देखिए। अब यहाँ कोई लाइन ही नहीं है, देखिए इसके बीच में कोई लाइन में दम ही नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कोई एक आभास हो रहा है, कोई स्ट्रांगनेस है ही नहीं, तो व्यक्ति ग्रोथ ले ही नहीं पाता। ठीक है, बीच में कभी कोई थोड़ी सी भी लाइन अच्छी होती होगी तो पैसा आएगा, पर थोड़े समय के लिए रहेगा। राहु रेखा की वजह से भी प्रॉब्लमें आती है बिजनेस में, और यहाँ से फिर धागा मुझे दिख रहा है, ये एज होगी लगभग 38 के आसपास से, 38 से इनको धीरे धीरे विकास होता हुआ दिखेगा, और ये 43 में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और 43 के बाद इनका भाग्योदय चालू हो जाएगा, हर साल इनकी इंक्रीमेंट होती रहेगी, अप टू जीने तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ग्रोथ ही ग्रोथ है। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इनके परिवार वाले और इनके आसपास के लोग इनका विकास देखकर चकित होंगे कि ये व्यक्ति कहां से कहां निकल गया, इतना अच्छा विकास इनके जीवन में होने वाला आर्थिक रूप से। तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।